जहानाबाद में लंबे अरसे से अधर में लटके 2011 होमगार्ड बहाली के अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महिलाओं की बहाली ली जा रही है। लेट लतीफी के कारण 11 सालों के बाद होमगार्ड की बहाली हो रही है। अंतिम दिन शहर के एरोड्रम स्टेडियम में महिलाओं की दौड़ हुई, जिसमें 1056 आवेदकों में 372 महिलाएं दौड़ में शामिल हुई। हम लोग एरोड्रम दौड़ने के लिए आए हैं। होमगार्ड का जो फॉर्म डाले थे 2011 में, उसी का दौड़ने के लिए आए हैं बहाली में। कितना साल बाद बहाली हो रहा है? 11 में फॉर्म डाला था, 2022 में 11 साल बाद बहाली लिया जा रहा है। अच्छा, इसकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तैयारी तो आप कर रहे थे दो महीना पहले, एक महीना पहले से। हमारा उम्र 19 साल था, अभी 30 साल है। हाँ, उस टाइम कुमार थे, अब शादी हो गया है। हाँ, एक बच्चा भी है। हम अपना बच्चा को अपने पति के साथ में आते थे, यहाँ पे हमारे पति लाते थे साथ में, और मैं पे आके तैयारी करते थे। हाँ, प्रैक्टिस नहीं, यही एक महीना से प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, दौड़ में सफल हो गए हैं। यहाँ आए हैं ये लोग हम जहानाबाद में दौड़ के लिए। 2011 के हम लोग को होमगार्ड की बहाली है, इस बार लिया जा रहा है 2022 में। अच्छा, उस समय क्या उम्र थी आप लोग की? उस समय हम लोग को उम्र 23 बरस थी, मेरे उम्र 23 बरस था। और अभी कितना है? अभी तो 34। 34 जी। तो बाल बच्चे भी हो गए होंगे जी? कितने बाल बच्चे हैं? 4 हैं। अच्छा, तो इसकी तैयारी कर रखे हैं आप लोग जी? तैयारी की है जी। तो क्या लगता है कि तो क्वालिफाइड होंगे? क्वालिफाइड होंगे जी। तो कहाँ तैयारी करते थे, कैसे तैयारी करते? यही हम करते थे, अपने से करते थे, दौड़ते थे सबको ग्रुप में, 10 महिला 20 महिला के ग्रुप में हम लोग दौड़ते थे। हाई जंप, लॉन्ग जंप सब करते थे, गोला फेंकते थे। तो तैयारी के साथ आए जी। कहाँ से आए हैं? घोसी ब्लॉक। आवेदन जमा करने से दौड़ शुरू होने के 11 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद महिलाएं 2 से 3 बच्चों की माँ तक बन गई। जब बहाली निकली थी तो महिला आवेदकों की उम्र किसी की 19 थी तो किसी की 30 साल की थी। उस समय लड़कियां अविवाहित थी। अब जब बहाली शुरू हुई तो कईयों की फिटनेस पहले जैसी नहीं रही। 2011 में फार्म भरे थे तो उस टाइम एज हमको 24-25 होता होगा, और अभी कम से कम ही तो 35-29 हो गया होगा, 35-40। और थोड़ा एज भी मतलब 2-3 बच्चा भी हो गया है, और थोड़ा मोटापा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए 2-3 सेकंड के लिए हम छट गए दौड़ाई में, इसलिए हमको आरक्षण चाहिए। अच्छा, कि क्या लगता है कि उम्र का प्रभाव है या क्या है? उम्र का प्रभाव है। उम्र का प्रभाव, उम्र का। फॉर्म भरे थे, अनमैरिड थे या शादीशुदा? ना, फॉर्म भरे थे तो शादी नहीं हुआ था, अनमैरिड थे। अनमैरिड थे, हाँ। तो शादी कभी हो गया, हमको 8 साल शादी किया हुआ। अच्छा, और 2011 में भरे थे। हाँ। तो इसीलिए हमको दौड़ मतलब 2-3 सेकंड के लिए छट गए, इसलिए हमको आरक्षण चाहिए कि हाँ, हमको आगे दौड़ के लिए अगर इसमें कुछ को पास करें। अच्छा जी, तो ये क्या लगता है कि अगर समय पे बहाली होती तो? समय पे बहाली होते तो दौड़ जाते। दौड़ जाते, हाँ, पहले दौड़ते थे, हर चीज में क्वालिफाई कर। हाँ, हर चीज में पहले तैयारी करते थे, आ जाते थे। इधर होमगार्ड के कमांडेंट प्रभा कुमारी ने कहा कि जिले के सभी प्रखंड के महिला अभ्यर्थियों की बहाली ली जा रही है, जिसमें 10वें राउंड में 372 अभ्यर्थियों में से 210 महिला अभ्यर्थी सफल हो गई हैं। एक ही दिन हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें हमारा कुल आवेदन जो है 1056 का आया था, और उसमें से 372 महिलाएं जो है उन्होंने उपस्थिति अपनी दर्ज कर रही है। हमारा दौर चल रहा है, 10वें राउंड तक हम लोग का जो स्थिति है काफ़ी अच्छा रहा है। 260 लोग जो है बहाली मतलब लास्ट दिन ही आगे लास्ट डे है, और वो जो हम रिजर्व रखे तो बारिश के लिए, एक दो लोगों ने हमारे पास आवेदन दिया था कि आधार के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो वैसे लोग जो अप्लाई किए थे उनका ही जो है बन गया है, तो वैसे लोग आएंगे उन्हीं का लिया जाएगा इस तरह का। लेकिन यह हमारा आरक्षित दे इसीलिए था कि हमने जगह दिया, आरक्षित करके जो दे रख रहे हैं, अगर बारिश की वजह से मौसम हो जाता हम नहीं करवा पाते, तो नेचर का भी साथ रहा हम लोग पूरा जो है अच्छे से हम लोग का सारा इवेंट सारा मतलब। बताते चलें कि 229 पदों के लिए 11 साल पहले बहाली निकली थी, इसके लिए 15,000 से अधिक आवेदन आए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।